बहुत गई, सभी लोग मेरे पे भरम बोल दिए। हाँ, लेकिन मेरे पास मैया के यहाँ आई, माँ की कृपा लगी मेरे पे, पता नहीं कौन सी सवारी आई। माँ बोली तुम ठीक हो जाओगी। देखा हेमंत ने थोड़ा सा भागवत मिला लिया और कपूर है, कपूर मिला लिया मैं पीस के, माता जी का नाम लेके जहाँ दर्द हो तहाँ लगावल करिए, ठीक है। अरे बाबू का जो नेक चलवा, देखा एवं थोड़ी से भगवत मिला लिया, इनके माता जी का नाम लेकिन इनके दिमाग यहाँ लगा कर, माता जी इनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान चलल कर, ठीक है। अब माता जी का नाम देखा कचमच ना खाए की है, अपन मन विश्वास हरदल में बनेले रही है, माता जी जरूर कल्याण करते हैं, ठीक है। जय माता जी। हुसैनपुर में है, यहीं से दूर है थोड़ा, जिला यही है, जिला आजमगढ़ है। 2 किलोमीटर होगा ना जी। हाँ, मेरे को थोड़ा दूर करिए। हाँ। आप बोलिए, आप कैमरे तरफ देखिए, उसको देखिए। मेरे को इतनी परेशानी थी कि मैं बहुत ओझा सोखा को बहुत दिखाई, लेकिन कोई जब तक देखता था तब तक मुझे आराम रहता था। फिर इसके बाद हर महीने में मैं जाती थी, यहाँ तक पैसा देती थी, दारू शराब भी सोखा देती थी। हाँ, जब तक देती थी तब तक 1 महीने का लोग गठरी करते थे, आराम रहता था। फिर मेरा सर भारी हुआ, मैं 5-6 महीने से सर से बहुत परेशान थी, वहाँ जाने के बाद भी मेरा सर नहीं उतर रहा था। फिर मैं क्या की, एक बार बोली मैं जान की यहाँ माता जी मतलब उनकी कृपा बन विराजमान हुई हैं, तो मेरे आदमी कहे कि चलो वहाँ पर लेकर चलती हूँ, चलता हूँ। मैं बोली नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। एक दिन माता की कृपा लगी, मैं खुद बोली कि चलो मैं चलूँगी वहाँ पर। मैं आई, पहले दिन माता तो मैं माता जी का पैर छुई, फिर उनकी कृपा बनी, मैं घर से अपने मानने आने लगी यहाँ पर, और उनकी कृपा से मेरा सर उतर गया। यहाँ तक मैं आजमगढ़ सिटी स्कैन भी करवाई, कुछ भी नहीं निकला, मेरे सीने में दर्द रहता था, यहाँ तक एक्सरे का पूरा लाइन लगी और पूरा मेरे सीने में दर्द भी नहीं जाता था। यहाँ मैं जब से आई, भले मैं दुबली पतली हूँ लेकिन मेरे जैसा कोई हिम्मती वाला नहीं है। हाँ, और लेकिन मैं बोल काली मैया की जय। पहले आप जाती थी, आपने बताया कि आप जाती थी ओझा सोखा के यहाँ, आप बहुत गई। हाँ। सभी लोग मेरे पे भरम बोल दिए। हाँ, लेकिन मेरे पास मैया के यहाँ आई, माँ की कृपा लगी मेरे पे, पता नहीं कौन सी सवारी आई। माँ बोली तुम ठीक हो जाओगी, माँ बोली तुम ठीक हो जाओगी, बस यही भभूत मेरे को माँ दी, मैं इसी भभूत से ठीक हुई। यही जो नहीं लेती, यही परिछवा देवी है, माई सवार यही माई दुर्गा। अच्छा, जिस तरह से आप बताए कि वहाँ पे आप जो है दारू मुर्गा देती थी, यहाँ पे भी कुछ लिया जाता? नहीं, एक रुपए भी नहीं दी, केवल अगरबत्ती और कपूर वही चढ़ाई बस, और 1 रुपया भी माँ मेरे से नहीं ली। उनकी कृपा बनी, मैं उनकी भगत हो गई, भक्ति में लीन हो गई उनके। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले मझौवा वाली मैया की जय। जा बेटा, कब से जानती हैं आप मझौवा माता को? मैं अभी तो 3 महीने से जानती हूँ, इसके पहले नहीं जानती थी। अच्छा।